अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसी तरह आज शब बारात है, शब बारात के मौके पर हमारे सिकबल्लापुर के टाउन स्टेशन में हमारे सर्कल इंस्पेक्टर प्रशांत सर और हमारे सिकबल्लापुर के टाउन सब इंस्पेक्टर मल्लेगुड़ा सर की सदारत में एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में हमारे सिकबल्लापुर के ज़िला वक्फ कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज पाशा और बहुत सारे अराकीन नौजवान तशरीफ़ लाए थे। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि हमारे हुकूमत कर्नाटक की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कोई भी कौम का, किसी भी कौम की किसी भी ईद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमकर कोई भी ईद नहीं मना सकते। इसलिए आज शबे बारात के मौके पर अजान 9 बजे होगी, 9:30 बजे जमात होगी। हम हर साल बाद नमाज कब्रिस्तान जाया करते थे, अब देश में कोरोना की वजह से हम कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। अपने अपने मरहूमिन के लिए अपने घरों में या मस्जिदों में ही बैठकर अपने मरहूमिन की मकबरत के लिए दुआ करेंगे। और इसी तरह हमारे नौजवान साथियों से भी मैं आजाना गुजारिश करता हूँ कि बाद नमाज टू व्हीलर लेके रोड में मत घुमा करें, क्योंकि पुलिस का सब पहरा रहता है, फाइन डाला जाएगा। इसलिए बाद नमाज सीधा अपने अपने घरों में जाकर अल्लाह की इबादत करें, अपने मरहूमिन के लिए मगफरत के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।